मेरे प्यारों, मस्जिद को आबाद तो करके देखो। काबा अभी बना नहीं है, अभी बनने की नियत की है, काबा बनाने की मेहनत कर रहे हैं। इब्राहिम इस्लाम, हजरत हाजरा, हजरत इब्राहिम इस्लाम, हजरत इस्माइल कुर्बानी दे रहे हैं, अभी कुर्बानी हो रही है। अल्लाह ने काबा बनने से पहले काबा की बरकतें जमजम को फोड़ दिया, पूरी दुनिया में जमजम जा रहा है। मस्जिद बनाओ, उसको आबाद करके देखो, अमाल से, माल से नहीं। और मस्जिद में पैसा लगे हलाल हराम का नहीं। फिर देखो, मुश्रिकी ने मक्का है, उन्होंने हराम पैसा लगने नहीं दिया, अपने हलाल रोजे से काबे की तामीर की है। मस्जिद की तामीर तकवे से होती है, हमें तामीर नहीं चाहिए, हमें मस्जिद के अमाल। मस्जिद अमाल से खूबसूरत होती है, माल से नहीं भाई। मस्जिद को ताला लगाना शरीयत में मना है। आज मस्जिद इतनी खूबसूरत बना दी, ताले लगाने पड़ने, मस्जिद को ताला नहीं लगाना चाहिए। मस्जिद सादी हो, पैसा तामीर पे नहीं तालीम पे लगे। बदतरीन माल है जो तामीर पे खर्च हो, किसी भी तामीर पे। इसलिए कहा, गरीबों से माल लो, अमीरों से वक्त लो। आज हम उल्टे दीन पे हैं, अमीरों से माल लेते हैं, गरीबों से वक्त। कोई दीन में तब्दीली नहीं आ रही। अमीरों से वक्त लो, अमीर वक्त नहीं देता। गरीबों से माल दो, कुर्बानी बनेगी, अल्लाह दीन को सालों में सदियों की तरक्की दे देंगे। तो मेरे प्यारो, कलमा दिल में कैसे उतरेगा, इसकी अलामतें क्या हैं? इसका कलमा दिल में आ गया, अलामत क्या है? जैसी सामने नामेरम उतर आएगी, नजर नीचे हो जाएगी। आज मेरे प्यारो, सारा दिन मुसलमान व्हाट्सएप पे लड़कियां देखता है, क्रिकेट मैच में लड़कियां नाचते देखता है, रात को इंडियन फिल्म देखता है, सुबह पाकिस्तान टीम के लिए दुआएं करता है। इंडियन फिल्म इंडियन पसंद, टीम पाकिस्तान पसंद, पता नहीं कौन सा इस्लाम। जब ईमान गड़बड़ होता है, दिल बेचैन होता है, मस्जिद में दिल नहीं लगता, अस्कर अल्लाह की मस्जिद से बाहर कर देते। फरमाया, जिसको कसरत से मस्जिद का आदि देखो, इसके ईमान की गवाही दे देना। जब ईमान दिल में आता है, कुरान कहता है इनके दिल अल्लाह का नाम सुन के लरज जाते हैं। आज अल्लाह के नाम सुन के हमें सुस्ती आती, नींद आती है ना। फरमाया, जब इनके सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, इनके ईमान को बढ़ाती हैं, हमें बयान में नींद आना शुरू हो जाती है। कभी T20 मैच में नींद नहीं आई है। T20 कितना होता है? 20 ओवर का मैच मुसलमान 5 घंटे देखते हैं, नींद नहीं आती। और 20 रकात तरावी इनसे पढ़ी नहीं जाती, सारा तरावी नींद से गुजरी भरी होती है। खेल तमाशा देखने के लिए तैयार, 8-8 घंटे वनडे मैच देखते हैं, 1 घंटे मौलवी साहब का बयान नहीं सुन सकते, अल्लाह की बात नहीं सुन सकते। यहाँ असली जनाजा ला के रख दें, असली जनाजा, सब गप्पे मारेंगे यार जनाजा मोबाइल पे, और यहाँ स्क्रीन लगा दें और फिल्म इंडियन लगा दें, जिसमें एक हीरोइन मरे, सारे मुसलमान गौर से देख रहे होंगे हीरोइन कैसे मर रही है, इसमें आंसू भी निकल रहे होंगे। दिल लूटे जनाजे पे रोना आता है, असली जनाजे पे हंसी आती है। ये आज मुसलमान का हाल है। क्यों? ईमान दिल से निकला हुआ है। मेरे प्यारों, मरने से पहले इसमें डालना है, वरना फंस जाएंगे। 50,000 साल का एक दिन है क़यामत का, और अल्लाह फरमाते हैं कि जो सबसे छोटी जहन्नुम में, दुनिया में आज तक कोई जलने का पेन किलर नहीं आया। हमारे मोहल्ले में एक लड़का जला, 70% जल गया, उसको बेहोश किया, तब भी तड़प रहा था जलने की वजह से। कयामत तक जलने की कोई दवाई नहीं आई। क्यों? जहन्नुम में जलना ही जलना है, जलना ही जलना है। फरमाया, जो सबसे छोटी जहन्नुम में अगर अल्लाह उससे निकाल दे थोड़ी देर के लिए, और दुनिया की सबसे बड़ी आग में डाल दे, सबसे छोटी जहन्नुम से निकाला आग से, और दुनिया की सबसे बड़ी आग में डाल दिया, का इसको उसमें नींद आ जाएगी, जहन्नुम की क्या आओगी मेरे प्यारों। लेकिन आज मुसलमान इससे डर नहीं रहा, सारा डर दुनिया का है, कोई खौफ नहीं। मरने के बाद प्यास का, भूख का क्या होगा? मरने से पहले का बस डर और गम है। फमई यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा, एक एक राई के दाने के बराबर खैर तुझे दिखाऊंगा, एक एक राई के दाने के बराबर शर तुझे दिखाऊंगा। इन रब्बका लबिर मिरसाद, अल्लाह तेरी ताक में लगा हुआ है, 24 घंटे तुझे देख रहा है, तुझे समझा रहा है, तुझे समझा रहा है, तुझे तकलीफ दे रहा है। क्यों? कि तेरी पकड़ का एक दिन है, बच जा। देखो मेरे प्यारो, बाज लोग गुनाह करते हैं, यार सईद भाई हमें बकवास कर रहे हैं, लड़की को देखने से क्या होता है? अल्लाह कह रहे हैं, देखता रहा देखता रहे, मैंने तेरी पकड़ रखी है, 2030 में पकड़ूंगा, जब तक तुझे समझाऊंगा। फिर हमने 70,000 बच्चे जबा किए, अल्लाह ने पकड़ा नहीं, अल्लाह ने नबी भेजा, जाओ मूसा समझाओ, जाओ समझाओ। 40 साल समझाया, कहा मूसा मैं इसको गर्क करूंगा, लेकिन मैंने लोहे महफूज में लिख दिया है, इसकी पकड़ 40 साल बाद करूंगा। हम सबकी पकड़ एक दिन लिखी है, टाइम भी लिखा है, उस दिन इसको कोई नबी भी बचा नहीं सकेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ईमान दिल में ले आए। ईमान की अलामतें क्या हैं? ईमान की अलामतें क्या हैं? कुरान कह रहा है, ये रातों को उठ के तहज्जुद पढ़ेंगे। एक सहाबी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाया, ए हारिस, सुबह किस हालत में की? कहा ईमान की हालत में। कहा हर चीज की कोई दलील होती है, तेरे ईमान की दलील क्या है? यार उसका, रात को तहज्जुद पढ़ता हूँ,
कुरान कह रहा है ईमान वाले कौन है, तताजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजी यदून रब्बहुम खौफुन तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून। ईमान वाले वो हैं जिनके बिस्तर उनके पहलू जफा करते हैं। एक होती है वफा कि इनको वफा है माल से, बीवी से, शोहर से, इनको बिस्तर से जफा होती है, वफा को उल्टा। ये रात को बिस्तर से जफा करते हैं और खड़े हो जाते हैं मुसल्ले पे और अपने रब को खौफ और उम्मीद से पुकारते हैं, ये ईमान वाले। आज तो मुसलमान फजर नहीं पढ़ता भाई, पूरे पाकिस्तान घूम के बता रहा हूँ 98% मुसलमान फजर नहीं पढ़ते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर खा के बदवानी दी, 70 सहाबा शहीद करवा के बदवानी दी, अपने दंदान मुबारक शहीद करके बदवानी दी, अपने चेहरे को मुबारक को जख्म करके बदवानी दी। उस मुसलमान को बदवा दिए आज पढ़ लेता है, ए अल्लाह मेरा दिल चाहता है ईंधन इकट्ठा करूं, नौजवान जमा करूं, इसके घर को आग लगा दूं। फिर मैं जो बिलावजर घर में नमाज पढ़ता है, मुअज्जिन की अजान पे मस्जिद नहीं आता, ये कुफर कर रहा है, ये निफाक कर रहा है, ये जालिम आदमी है। अल्लाह जालिम आदमी की मदद नहीं करता। इतना बड़ा रब इसको बुला रहा है, इतना बड़ा रब। अगर मजीद आप इस तरह के बयान सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल तबी ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह।